नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी, केवल और केवल आपकी राशि की, और जानेंगे साल 2023 का आपकी राशि का राशिफल। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपकी राशि है वृश्चिक तो ये वीडियो है खास आपके लिए। आपको बताते हैं वृश्चिक राशि का साल 2023 का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले, जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। आपके कुछ कामों में व्यवधान आएंगे लेकिन लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा और आप यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। फरवरी का महीना जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। आपके वर्तमान निवास स्थान में बदलाव हो सकता है, भले ही वो आपके काम के लिए हो, लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप स्थानांतरित हो सकते हैं। परिवार से थोड़ी दूरी भी आ सकती है। मानसिक तनाव में थोड़ी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे और अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मार्च के महीने में आपको शारीरिक समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। इस दौरान किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना, चोट लगने या कोई एक्सीडेंट होने अथवा कोई शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है, इसलिए पूरा ध्यान रखें। और इस दौरान ससुराल पक्ष से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी से अनबन हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें और बातों को ठीक से करें। आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा कमजोर हो सकता है। अप्रैल का महीना जीवन में अच्छी स्थिति लेकर आएगा। पढ़ाई में तो कुछ व्यवधान आएंगे लेकिन लंबी विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति भी बनने की संभावना है। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन कुछ नई समस्याएं जन्म ले सकती हैं। आलस्य से बचना बेहतर होगा, नहीं तो काम में मुसीबतें आ सकती हैं। मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ काम बनते बनते रह जाएंगे और कुछ काम जो पहले सोच रखे थे और रुके हुए थे अचानक से बनने लगेंगे, लेकिन इस दौरान आपको राजयोग सरीखे परिणाम मिलेंगे। लंबी यात्राओं से लाभ होगा, कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके निजी प्रयास आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और इस दौरान भाई बहनों से कुछ कहासुनी हो सकती है। जून के महीने में स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना रहेगी। आपका कोई पुराना राज भी बाहर आ सकता है जिसको जानकर आपके आसपास के लोग हतप्रभ रह जाएंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनेंगी। अचानक से कोई बड़ा बदलाव भी संभव है। पिताजी की सेहत में गिरावट आने की भी संभावना है। जुलाई का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। करियर में तरक्की के योग बनेंगे। आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम को देखते हुए आपको अच्छी पदोन्नति और तनख्वाह की वृद्धि मिल सकती है। व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे। आप अपने काम के कारण काफ़ी व्यस्त रहेंगे और परिवार को समय कम दे पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगस्त का महीना उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेगा। आपका ध्यान भी इसी तरफ होगा कि किसी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए। आपके पास सभी प्रयासों का समेकित परिणाम यह निकलेगा कि आपके पास धन वर्षा होगी। चारों तरफ से धन आने के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और आपकी मनचाही इच्छा की पूर्ति होने का समय भी यही रहेगा। कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। प्रेम जीवन में थोड़ा सा तनावपूर्ण समय रह सकता है। सितंबर का महीना उत्तम तरक्की प्रदान करने वाला होगा, लेकिन पारिवारिक कलेश भी इस दौरान हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आने से आपका ध्यान उनकी तरफ रहेगा और मानसिक रूप से आप कुछ चिंतित महसूस करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से कोई समस्या सामने आ सकती है। घर परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे। कार्य क्षेत्र में काम का दबदबा रहेगा। वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार अक्टूबर के महीने में विदेश यात्रा के प्रबल योग बनने वाले हैं। आपने पहले से कोशिश की है तो इस दौरान आप विदेश जा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होनी लाजमी है। मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा और नींद में कमी हो सकती है। इस दौरान नेत्र दर्द कर सकते हैं या आँखों से पानी बह सकता है। अपने रक्तचाप का भी ध्यान रखें। नवंबर का महीना हर तरीके से आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी और आप स्फूर्तिवान बनेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपके स्वभाव में भी गुस्सा बढ़ेगा जो आपके रिश्तों में पीड़ा दे सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। व्यापार में उन्नति होगी और अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। घर बनाने या प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं। दिसंबर का महीना आपकी कई इच्छाओं को पूरा करेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इस दौरान बैंक बैलेंस बढ़ने के भी अच्छे योग बनेंगे। पारिवारिक कुटुंब में कुछ कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपने अनुसार उन परिस्थितियों को देखकर उन पर अपना काम कर पाएंगे जिससे वह चुनौतियां दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपको सफलता दिलाएंगे और उनसे आपको धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। बात करते हैं आपके प्रेम की, प्रेम राशिफल की 2023 की।
जहां वृश्चिक राशि के लोग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और शनिदेव की तीसरे भाव से दृष्टि भी पंचम पर ही होगी। आपका पंचम भाव सक्रिय होने से अगर आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति दस्तक दे सकता है जिसके साथ आपका प्रेम परवान चढ़ेगा, और यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। फरवरी और मार्च के महीने में विशेष रूप से आपके रिश्ते में रोमांस का तड़का लगेगा और आपका प्यार और गहरा होगा। एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करेंगे। विवाह के लिए राजीनामा भी हो सकता है। अप्रैल तक की परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। उसके बाद जैसे ही बृहस्पति महाराज मेष राशि में गोचर करेंगे धीरे धीरे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि उस दौरान आपके चतुर्थ भाव में शनि देव का गोचर भी होगा और पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ स्थित होकर पीड़ित हो जाएंगे। मई से अगस्त के बीच प्रेम संबंधों में ज़्यादा तनाव देखने को मिल सकता है। आपसी खींचतानी और रिश्ते में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि उसके बाद स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ेंगी और आप अपने रिश्ते में बहुत हल्का महसूस करेंगे और एक दूसरे से सभी दूरियां कम होने के कारण आप साथ में घूमने फिरने भी जाएंगे। नवंबर दिसंबर के महीने निरंकुश होकर प्यार करने वाले महीने होंगे। आप किसी की भी परवाह नहीं करेंगे और प्यार के सागर में गोते लगाएंगे। वृश्चिक राशि के करियर की बात करें तो इस वर्ष स्वयं को साबित करना होगा क्योंकि 17 जनवरी को शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर छठे भाव और दसवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यदि नौकरी करते हैं तो शनि देव की दृष्टि आपसे बहुत मेहनत कराएगी, लेकिन यही मेहनत आपके काम भी आएगी क्योंकि आप अनुशासित होकर काम करेंगे तो उससे आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही आपका करियर भी मजबूत होगा। अप्रैल और अगस्त के महीने विशेष रूप से तरक्की वाले महीने साबित हो सकते हैं। इस दौरान पदोन्नति मिल सकती है, लेकिन जून का महीना परेशानियां खड़ी कर सकता है और करियर में अचानक से उतार चढ़ाव ला सकता है। अक्टूबर के महीने में काम के सिलसिले में बाहर जाने के योग बनेंगे। नवंबर और दिसंबर आपकी मेहनत से आपको सफल बनाएंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष की पहली तिमाही बहुत अनुकूल रहेगी। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। आपका मन सहज रूप से पढ़ाई की ओर अग्रसर होगा। आप चाहेंगे कि अपने ज्ञान में वृद्धि करें और पढ़ाई में खूब मन लगे। इसकी वजह से यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। मई से अगस्त के बीच पढ़ाई में अनेक तरह के व्यवधान आएंगे और आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप बीमार हो सकते हैं या मति भ्रम का शिकार हो सकते हैं। आपकी संगति बिगड़ सकती है जिसका असर आपकी पढ़ाई को खराब कर सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीनों में शिक्षा में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जनवरी से अप्रैल के बीच अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जुलाई का महीना भी उत्तम रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में उत्तम परिणाम मिलेंगे, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों की ये इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। वित्तीय राशिफल की बात करें तो अपने जीवन में वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी क्योंकि असंतुलन रहेगा। धन के आने और जाने में लगातार बढ़ोतरी होगी। जहां एक तरफ आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी तो वहीं पूरे वर्ष खर्चे बने रहेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में होने से बेवजह के खर्चे बने रहेंगे। यह आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देंगे। बृहस्पति के छठे भाव में आकर द्वादश को देखने से भी खर्चों में बढ़ोतरी और ज़्यादा होगी, लेकिन नवंबर दिसंबर के महीनों में जाकर थोड़ा सा राहत भरा समय महसूस होगा। इसी कारण आपको इस पूरे वर्ष अपने वित्तीय संतुलन को साधने की कोशिश करनी होगी क्योंकि अच्छी आमदनी होगी, लेकिन अगर आप असंतुलन को ठीक नहीं कर पाए तो सारा धन खर्च हो जाएगा। पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2023 बहुत संजीदा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। 17 जनवरी को शनि के चौथे भाव में आने और वहां से दशम को देखने से आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी। उसके कारण आप अपने परिवार पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से आपके माता पिता का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और उनसे आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। इसका पूरा ध्यान रखें। हालांकि भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और वो आपके सुख को बढ़ाने वाले साबित होंगे। आपको इस वर्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन और अच्छे से करने पर ध्यान देना होगा। संतान की बात करते हैं, अत्यंत अनुकूल वर्ष रहने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने संतान को लेकर कोई खुशखबरी सुना सकते हैं। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस दौरान उनकी शादी हो सकती है। यदि वे नौकरी या बिजनेस में संलग्न हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। यदि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी कोई अच्छी उपलब्धि इस दौरान प्राप्त हो सकती है। यह समय उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन वर्ष का मध्य कमजोर है।
पंचम के स्वामी के पीड़ित होने के कारण अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के अंत तक का समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान उन्हें अपने कार्यों में बाधा महसूस होगी और स्वास्थ्य समस्याएं भी घिर सकती हैं। सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी और नवंबर दिसंबर में जाकर राहत महसूस करेंगे और आपको भी संतुष्टि होगी। वैवाहिक जीवन को लेकर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति पंचम में और शनि भी पंचम को देखेंगे, इससे प्रेम का भाव मजबूत होगा। यदि आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन इसी दौरान सप्तम भाव में वक्री अवस्था में मंगल के स्थित होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और जीवन साथी के व्यवहार में गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ने की आशंका रहेगी, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। केतु का गोचर भी आपके द्वादश भाव में होने से आप दोनों के बीच आपसी संबंधों में समस्या रहेगी, लेकिन जब गुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में 22 अप्रैल को आएंगे तब द्वादश को देखेंगे तो आपसी संबंधों में चल रहे तनाव में कुछ कमी आएगी। धीरे धीरे आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे। 30 अक्टूबर को राहु के पंचम भाव में चले जाने से आपका अपने रिश्तों को लेकर बहुत चुनौतियों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ग्रहों की कृपा से आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। इसी वजह से वर्ष के अंतिम महीने वैवाहिक जीवन में उत्तम सफलता लेकर आएंगे। व्यापारियों की बात करें तो यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा वर्ष साबित हो सकता है। जनवरी का महीना तो अनुकूल रहेगा और आपको विदेशी संपर्कों का लाभ भी मिलेगा। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे, लेकिन फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच व्यापार में तनाव बढ़ेगा। कुछ कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और मई से लेकर अगस्त के बीच आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना चाहिए। कोई भी सरकारी नीति के विरुद्ध जाकर काम करना या समय से टैक्स ना चुकाना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसके लिए आपके ऊपर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है। बहुत सावधानी से अपना काम करते रहें। सितंबर के बाद से धीरे धीरे व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। आपको अपने संपर्कों का भी लाभ मिलेगा। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। नवंबर और दिसंबर में व्यापार में आशातीत सफलता और वृद्धि मिलेगी। आपको अपने पिताजी या पिता के समान किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जो आपके व्यापार में आपकी उन्नति कराने वाले साबित होंगे। यदि वाहन और संपत्ति की बात करें तो यह वर्ष संपत्ति लाभ के लिए अनुकूल रहने वाला है। वर्ष का शुरुआती महीना तो कमजोर रहेगा क्योंकि शनि महाराज चौथे के स्वामी होकर अपने से 12वें यानी तीसरे भाव में रहेंगे। शुक्र भी वहीं पर रहेंगे। यह स्थिति संपत्ति का विक्रय कराकर कुछ लाभ दे सकती है, नहीं तो संपत्ति बेचने की स्थिति बनेगी। लेकिन 17 जनवरी से शनिदेव चौथे भाव में आएंगे और इस दौरान आपकी संपत्ति को लेकर अच्छी स्थिति बन जाएगी। आप इस वर्ष कोई बड़ी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, कोई नया घर या प्लॉट खरीद सकते हैं और जुलाई से अगस्त के बीच कोई कंस्ट्रक्शन का काम या घर की सजावट पर अच्छा धन खर्च कर सकते हैं। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय 22 जनवरी से 12 मार्च के बीच रहेगा। इस दौरान खरीदा गया वाहन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच वाहन क्रय के लिए अच्छा समय होगा। यदि आपके धन और लाभ को देखें तो वर्ष उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन इस वर्ष आपको विदेश जाने और विदेश जाकर अच्छा धन कमाने के अवसर जरूर प्राप्त हो सकते हैं, विशेष रूप से अगस्त से दिसंबर के बीच का समय। यही नहीं, इस वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इस दौरान किए गए आपके निजी प्रयासों से आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है। आपके लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बना सकते हैं, लेकिन अप्रैल के अंत से अगस्त के अंत तक का समय आर्थिक हानि भी दिखा रहा है। इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के निवेश को सोच समझ कर करें और धन का इस्तेमाल भी सही तरीके से करें। वर्ष के अंत तक आपके पास प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध रहेगा। इससे आपका आत्मबल मजबूत होगा और आप मनचाहे काम कर सकेंगे। यदि बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की तो आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी और ग्रहों का संयोजन आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेगा, लेकिन छठे भाव में उपस्थित राहु और 17 जनवरी के बाद शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होने से छठा भाव सक्रिय हो जाएगा, इसलिए स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपके सामने आ सकती है। आपके विरोधी भी इस दौरान थोड़े प्रबल होंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में रहेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी समय में राहु के साथ सूर्य महाराज भी स्थित होंगे। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही राहु के साथ स्थित होंगे और शनि की उन पर दृष्टि होने के कारण दोनों ही ग्रह पीड़ित होंगे। इस अवधि में सेहत में बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान हुई किसी भी शारीरिक समस्याओं को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। पेट और बड़ी आंत से संबंधित कोई परेशानी आपके सामने आ सकती है। मूत्र नलिका से संबंधित संक्रमण या उससे संबंधित कोई समस्या, नेत्र रोग, शरीर में दर्द जैसी समस्याएं भी पीड़ित कर सकती हैं। अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा।
अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए भाग्यशाली अंक। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और आपके लिए भाग्यशाली अंक 2 और 9 है। ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशिफल 2023 बताता है कि वर्ष 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य सभी मामलों में धीरे धीरे उन्नति करने वाला वर्ष होगा। बस स्वास्थ्य के मामले में लगातार समस्याएं बनी रह सकती हैं, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। आवश्यक होने पर चिकित्सीय उपचार अवश्य लें। यह वर्ष अपने अंतिम महीनों में आर्थिक रूप से आपको प्रबल बनाएगा और आपके करियर में भी उन्नति देगा। अब आपको बताते हैं विशेष उपाय जो इस वर्ष आपको करने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। लाल और मैरून रंग का अधिक प्रयोग करें और मंगल देव के किसी भी मंत्र का इच्छा अनुसार जाप करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का मोती रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम ना हो तो संकट मोचन स्त्रोत्र का पाठ करें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का हाल। आपने जाना कैसा होने वाला है साल 2023 आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये नया साल शुभकामनाओं के साथ आपको जीवन में उत्तम तरक्की और प्रगति के अवसर प्रदान करे और जीवन की ऊंचाइयों पर आपको पहुँचाए। आपको आपके एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.